अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माचिस। मैं हूं आपकी होस्ट ZQ और एक बात कहना चाहती हूं कि माचिस सिर्फ ऐसे गैर जरूरी आग के लिए नहीं है। कभी कभार कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो लोग दबाते हैं, मगर सिस्टम में, सोसाइटी में अगर इनको, इनके बारे में अवेयरनेस ना हो तो हम लोग काफ़ी दबी हुई और सप्रेस सोसाइटी होगी। तो मेरा ख्याल है कि जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत सेंसिटिव है। इट्स अबाउट द अदर वुमन, दूसरी औरत। आदमी, शादीशुदा आदमी क्यों अफेयर चलाते हैं और चलाते हैं कि नहीं हमारे पास एक ऐसा कपल है जिसमें से उनकी जो बीवी है। मैं आपको सारा कुछ क्यों बताऊं? लेट द शो बिगिन। और मेरा ख्याल है कि हमें एक छोटी सी ब्रेक के लिए जाना चाहिए, उसके बाद मेरे साथ हमारे आज के मेहमान होंगे। जी, तो वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारे साथ हमारे आज के मेहमान हैं और मेरा ख्याल है कि इनका तारुफ करवा देती हूँ। मिस्टर एंड मिसेस फरहान हैं और ये मिस्टर फरहान के साथ कॉलीग हैं। तो मुझे बताइए कि आप लोगों की लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज? जी, लव मैरिज है हमारी। लव मैरिज है। तो कितने साल हो गए आपकी शादी को? 4 साल। 4 साल हो गए। और मुझे बताएं कि लव मैरिज में क्या इख्तलाफ थे दोनों फैमिलीज में कि ये शादी नहीं हो सकती? कोई फिल्मी टाइप चीज़ हुई थी? जी जी, शुरू में थोड़े बहुत थे, लेकिन फिर कन्वेंस कर लिया था मैंने भी अपने पेरेंट्स को, इन्होंने भी। तो काफ़ी मेहनत से, मतलब कि ये आपने शादी की है? जी, तकरीबन। अच्छा, मुझे बताएं कि 4 साल, मतलब माशाल्लाह आपका कोई बच्चे हैं? एक बेबी है। एक बेबी है। आप हाउसवाइफ हैं या कुछ काम भी करती हैं? हाउसवाइफ हूं। हाउसवाइफ हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि 4 साल में बदल गए थोड़े से या वैसे के वैसे हैं? अब चेंज तो आता ही है, जब बंदा प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो चेंज हो जाता है, क्योंकि पहले स्टूडेंट लाइफ, उसके बाद फिर जब आपकी शादी होती है, आप जॉब करते हैं, अब आपको सबको टाइम देना होता है, बीवी को, बच्चों को, अपनी फैमिली को। माशाल्लाह बहुत लकी है, मानते कि नहीं कि इतनी अंडरस्टैंडिंग और समझदार बीवी हैं। तो मुझे बताइए कि आप कोएड में थे, आप लोग क्या पढ़ते थे, किस तरह मिले थे? जी, एक्चुअली हम लोग साथ थे कॉलेज में। अच्छा, तो मुझे जब से ही, मतलब ये मैं इनको लाइक करता था। तो मुझे बताइए कि इतनी ज़्यादा और लड़कियाँ होंगी, आपने इनको क्यों चुना? एक्चुअली मुझे बस थोड़ी टची लगी थी और ज़्यादातर लड़के इनके पीछे थे, तो एक उस वक्त तो मेरा यही अहम था कि अच्छा, कि मतलब कि ट्रॉफी होगी। जी जी, कि मैं जीतूंगा तब। जी जी, नहीं, कुछ लव शव की फीलिंग्स भी थी कि बस अच्छा? हाँ, नहीं, लव भी था, मतलब इतनी ज़्यादा इमोशनल था मैं कि जी उस वक्त ये मेरे पीछे पीछे आते थे कि नहीं प्लीज़ फौजिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये वो। अब थोड़ा कम हो गया तो और बात है। फौजिया, आप मुझे बताइए कि जैसा कि इन्होंने कहा कि आपके पीछे तो बहुत ही लंबी लाइन थी एडमायरर्स की, तो आपने इनको क्यों चुना? इनको चुनने की एक वजह ये भी थी कि उन सब लड़कों में सबसे ज़्यादा सेंसर मुझे ये लगे, और दूसरा इन फैमिली टर्म्स भी थे, हमारे घर आना जाना लगा रहता था, फैमिली इनकी अच्छी थी, तो इस वजह से भी। इनसे अब हम पूछते हैं कि अब आप हमें बताइए कि आप क्या करते हैं। पहली बात तो मैं इनको ये बता दूँ कि जो इन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा पीछे पड़ा हुआ था मैं, लेकिन इन्होंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के बता दिया। मतलब कि उन्होंने कहा कि एक सेकंड में एक बात वाजी कर दूं, मैं इतना डेस्परेट नहीं था। जी जी। और भी थी, मैं किसी और से भी कर सकता था। नहीं, उस वक्त था, लेकिन इन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही बोल दिया ना। तो फिर मेरे पीछे ही क्यों? बस वो बता रहा हूँ ना, इमोशनल, मतलब एक इमोशनल हो जाता ना आदमी, तो उसको कुछ नजर नहीं आता आसपास का, बस वो वाली कंडीशन। तो अब क्या, अब आसपास नजर आ रही है कोई अब और? तो बहुत कुछ नहीं, कोई और नजर बहुत कुछ इनको नजर आता है। आप मुझे बताएं कि आप कहाँ काम करते हैं? मैं एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फर्म में जनरल मैनेजर। अच्छा, मतलब कि अच्छा, अच्छी इनकम है आपकी? इतनी है कि अच्छा गुजारा हो जाता है। अच्छा, आप खुश हैं? मतलब अल्लाह का शुक्र है, जो भी वो आप चाहती हैं वो ले आते हैं, डिमांड सारी? ये तो है, इतना इनमें है कि जो भी मैं कहती हूँ मेरी डिमांड्स पूरी करते हैं हर तरह से, ये नहीं है कि मुझे कभी वो करना पड़ा। अच्छा, मुझे बताइए कि सब कुछ मिल गया आपको, जो लड़की आप चाहते थे, आपसे शादी हो गई, आपकी अच्छी जॉब है, माशाल्लाह बच्चा है, तो लाइफ कम्प्लीट है अब? जी, बिल्कुल जन्नत है। लेकिन लाइफ तो कभी कम्प्लीट नहीं होती, इंसान हमेशा और से और की तलाश में रहता है। और से और की तलाश, मतलब तरक्की की तरफ में बात कर रहा हूँ, मतलब आप इसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचिए। नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने कुछ कहा है, मैं तो आपका रिपीट कर रही थी। मतलब इंसान चाहता है कि मैं और तरक्की करूँ, वैसे तो कंप्लीट है लाइफ, लेकिन अभी आगे बहुत सी लाइफ पड़ी है मेरी, मतलब बहुत कुछ करना है इन्हीं के साथ, अपने और भी बच्चे बूढ़े होंगे आप इकट्ठे, है ना? जी जी, इंशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि आपकी बीवी को शक है आप पे? देखिए मैं, अच्छा एक चीज, मतलब कि माचिस देखिए हमारा बैकड्रॉप है कि कहीं भी आग के बगैर धुआं तो नहीं होगा ना, तो ये शक क्यों
क्या ये ओवर पोजेसिव हैं? आपका क्या ख्याल है, ये क्यों शक करती हैं? एक्चुअली मैं होता नहीं हूँ पूरा दिन एक तो घर पे, कभी कभार किसी का फ़ोन आ जाए गलती से मेरे ऑफिस से या कहीं और से, तो ये उस पर शक करती हैं। और दूसरी बात ये है कि औरतें तो आपने पता है फितरी तौर पर शक्की होती हैं, तो आप जितना भी इनको मतलब यकीन दिलाने की कोशिश करती हैं। बात ये नहीं होती कि सिर्फ औरतें ही शकी होती हैं, औरतें बिला वजह कभी भी शक नहीं करती, ठीक है? जब तक आपको कुछ सही पॉइंट है, आपने ये इतना मतलब कि मजबूत पॉइंट आपने किया, क्या वजह है, क्यों आपने इनको शक किया? आपने छठी है दूसरा, मुझे कुछ ना कुछ ऐसे मिलता रहता है, कभी इनकी पॉकेट से, कभी ये लेट आते हैं, कभी रात देर गए इनके मोबाइल्स पे एक कॉल बेल आई और ये किसी ना किसी बहाने से उठ के चुपके से बाहर निकल गए, तो आप क्या समझेंगे उसके में? जिस तरह शक करती हैं मुझ पे। नहीं, क्या मतलब शक करती है? किसके फ़ोन आते थे रात को? बॉस के तो नहीं आ सकते? देखिए मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, मेरे 10 लोग जानने वाले हैं, कोई मुझे ज़रूरी नहीं कि कोई मुझे कॉल ही करके मुझसे बात करे, कोई मिस्ड कॉल भी कर सकता है कि वो उसको मैं कॉल करूँ। लेकिन तो मतलब ये मिस कॉल रात के टाइमिंग क्यों आती है, लेट आवर्स में, और वो भी एक मखसूस टाइम पे, मखसूस एक बेल आती है और ये चुपके निकल जाते हैं। चेक किया मोबाइल? मैंने इनका चेक किया और मैसेजेस वगैरह तो ये कभी इतने सेफ रखते नहीं है, काफी तेज है मेरे हस्बैंड। अच्छा, ये थोड़ा सा कुछ मेरा ख्याल है अंदर इनके कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है, पता नहीं क्यों। हमारे पास हमारे साथ ही हमारी फरहान साहब की कॉलीग बैठी हुई है, मुझे बताइए कि आप इनके साथ काम करती हैं, तो इनका किस तरह का बिहेवियर है? क्या हर एक के ऊपर लाइन मार रहे होते हैं? मतलब कि अब मैं और किस तरह कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, टॉपिक ही बहुत ज़्यादा टची है, या फिर बिल्कुल मतलब कि शरीफ जैसे मैरिड होते हैं नॉर्मल के काम से काम? नो, बस मनासब, इतने नॉर्मल नहीं रहते, बातचीत सही रहती है सबके साथ। अच्छा, मतलब हंसमुख है, हंसमुख करते हैं सबके साथ, एक जैसा बिहेव रहता है, लेकिन कुछ हैं जो जिनके साथ थोड़ा चेंजिंग है, लेकिन अच्छा चेंजिंग है या मसलन काफी, जो मैं अभी बतानी नहीं चाहती है, ये समझ लें आप लोग, जो मैं नहीं बताना चाह रही हूँ, लेकिन खासे अच्छे तरीके से ये बिहेव करते हैं सबके साथ। कुछ आप हंस रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, हम ऑडियंस भी बिल्कुल कंफ्यूज है, वो देखें उनकी शक्ल बिल्कुल छोटी सी और हो गई है, क्या? नो, मैं अपसेट हो जाऊं अगर मतलब कि इस तरह के, आप मुझे बताएं कि आपकी शादी हुई भी है? नो, नहीं। आप किस तरह के खावन चाहेंगी, इनकी तरह के? नहीं, इन जैसे तो नहीं। शक्ल भी है, मतलब कि काम भी, अच्छी जॉब है, वो सब कुछ है, लेकिन फिर भी कमी है। अच्छा, आप इनसे एक सवाल पूछिए कि कभी मैंने इनके साथ कोई गलत बिहेव किया? मेरे साथ तो नहीं, मेरे के क्या मतलब? अच्छा, और फिर कौन है, आप बता दें मुझे। और बहुत से लोग होते हैं, मतलब ऑफिस में सिर्फ मैं इनकी क्लीग नहीं हूँ, बहुत से और लोग हैं। अब सबके साथ ये बिहेव कैसा रखते हैं, मेरे साथ ये किस किस्म का बिहेव है, ये एक अलग मैटर, ठीक है ना? अब बाकी जो सब है उनके साथ इनका बिहेव फ्रेंकली है या दूसरा है वो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ मेरे साथ थोड़ा ये सेटअप पे रहते हैं, क्योंकि शायद मैं नहीं होने देती फ्रेंकली। अच्छा, हमारी बातें चलती रहेंगी, आगे जाकर हम इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है उन आदमियों की जो शादी के बाद इधर उधर देखते हैं, और बाकी बातें बाद में, चलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक टू द ब्रेक, और मेरा ख्याल है कि हमें फौरन डाइव इन कर लेना चाहिए। सवाल मेरा ये है कि आपका क्या ख्याल है कि शादीशुदा आदमी अफेयर्स क्यों चलाते हैं? देखिए, आपने सुना होगा कि मर्द की तो नेचर होती है, मर्द को भौंमरा सिफत कहा गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर शादीशुदा आदमी का कोई ना कोई अफेयर हो। नहीं, ज़रूरी नहीं है, मगर वजह क्या है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वजह होती है, क्यों? अब इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो एक शरीफ आदमी हूँ। नहीं, माशाल्लाह। लेकिन मुझे आप बताएं कि मतलब कि गाड़ी का मॉडल बदलना हो, ठीक है वो गाड़ी है, कुछ और मतलब DVD ये वो, मगर बीवी तो क्या मतलब कि फिर क्यों करते हैं? मैं वैसे साइकी, क्योंकि आप वाहिद मर्द हैं यहाँ, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। असल में इसकी वजह ये भी हो सकती है कि उसकी बीवी से ताल्लुकात अच्छे ना हो, उनकी नहीं बनती हो, शादी से पहले बनती हो लेकिन शादी के बाद नहीं बनती, या और कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हों, या ख़ानदानी प्रॉब्लम्स हों, कोई भी वजह हो सकती है, या उसको शादी के बाद अपनी बीवी ना अच्छी लगे, मतलब कोई और बाहर की औरतों में उसको ज़्यादा दिलचस्पी हो। क्यों? यही पहले ये सही है, मतलब कि शादी पर क्यों की, लव मैरिज क्यों की, अगर आपने फिर भी आपने देखते रहना है? देखें, जब लव करता है ना आदमी तो वो बिल्कुल ही अंधा हो जाता है, तो फिर उसके बाद आंखें आ जाती हैं, आई ट्रांसप्लांट हो जाती है। जब चीज इंसान को मिल जाती है तो उसकी इतनी कदर नहीं रहती, जब चीज दूर होती है ना तो उसकी बहुत कदर होती है, लेकिन जब चीज हाथ में आ जाती है तो उसकी कदर नहीं होती, फिर कोई नई चीज की तरफ आदमी जाता है,
तो मेरा ख्याल है कि यही फितरी अमल है, बाकी बहुत सी वजूहात हैं। मतलब कि दिल से बोल रहे हैं, जैसे लगता है कि आप पर्सनल अपना ओपिनियन बता रहे हैं। नहीं, एक्चुअली मेरे इर्द गिर्द सारे मर्द होते हैं, इसलिए मुझे पता है उनके बारे में कि मतलब वो क्या सोचते हैं, क्या जहन रखते हैं। आपके कोई दोस्त हैं जो इस तरह कर रहे हैं, कोई शादीशुदा दोस्त जो अफेयर चला रहे हैं? नहीं नहीं, मतलब प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन कभी कभार सोच होती है उनकी ऐसा करने की। सोच भी ऐसी चीज का मतलब कि खराब बात है ना, गलत बात है। सोच पे तो इंसान का काबू नहीं, कभी भी कोई सी भी सोच आ सकती है उसके। ठीक है, मगर as long as control हो। हाँ, control। मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगी कि आप मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग शादीशुदा हैं? आपका क्या ख्याल है, क्यों इस तरह से क्यों होता है? जिस तरह अभी फरहान साहब ने कहा था, बिल्कुल सही कहा था, इसी तरह होता है कि घर में कोई मामला जैसे लड़ाई झगड़ा किसी हो गए या किसी बात पे कोई मसला खराब हो गया, बेगम बात नहीं मानती या नाराजगी है, तो उसकी वजह क्या, आप कहीं और देखें? जी बिल्कुल, दिल जहन अचानक तो चला जाता है बाहर गुस्से में, आदमी फिर यही करता है। मगर असल में तो नहीं करेंगे ना, सोच तो ठीक है, कोई जी बात जी, जी जी। अच्छा, आप में से कौन शादीशुदा है, मैं उनसे एक सवाल करना चाहूंगी, लड़कियों में से। जी मुझे बताइए कि आपकी नई शादी हुई है? नहीं, काफी 8 साल हो गए मेरी शादी को। अच्छा, माशाल्लाह। मुझे बताइए कि आपके खावन कैसे हैं, अच्छे हैं आपसे? क्या वैसे ही हैं जैसे पहले थे, या मतलब कि आप बदल गए हैं, जैसे ये कह रही हैं कि मतलब थोड़े दिन मतलब सालों के बाद तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा रिलेशनशिप बदल जाता है। मेरे शौहर तो जैसे थे वैसे ही हैं, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही। मुझे आप बताएं कि आप क्या करें अगर आपको शक हो कि आपके खावन खुदा ना हास्ता किसी और लड़की को पसंद? मैं ऐसा मौका ही नहीं आने दूंगी। कि सिर्फ औरत पे ही डिपेंड नहीं करता, अगर मर्द की फितरत ही है एक के दूसरी औरतों में बाहर जाके मुंह मारने की, क्या और जैसा कि वो अभी इन साहब ने कहा कि घर में लड़ाई झगड़ा होता है तभी मर्द जाके बाहर सोचता है या बाहर मुंह मारता है। अगर मर्द भी बीवियों से लड़ते हैं, ठीक है, ऊंच नीच हर घर में होती है, लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा हर घर में होता है, अगर बीवियां भी बाहर जाके मुंह मारने लगें तो वो फिर गलत हो जाएंगी। अगर मर्द बाहर जाके किसी से दोस्ती करते हैं या बाहर अपना टाइम पास करते हैं तो वो मर्द हमेशा कहेगा मैं सही हूँ, अगर यही हरकत मैं करूँगी तो इनका रिएक्शन क्या होगा? क्या होगा जिस तरह आप इतनी लिबरली कह रहे हैं कि क्या भवरा है समथिंग जो आपने कहा है? जी जी, क्या होता है भवरा? मर्द की नेचर होती है, भवरा सिफत कहा गया। ठीक है, तो अगर यही चीज ये कहे इतनी आप मतलब कि जैसे आप खुल्लम खुल्ला ऑडियंस के सामने आप कह रहे हैं कि ठीक है शादी हुई हुई है मगर हाँ ठीक है लोग देखते हैं आप नहीं, तो अगर इनका भी इतना ही ब्रॉड माइंडेड नजरिया हो तो आप क्या सोचें? देखिए औरतें भी होती हैं कुछ इस किस्म की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनका अच्छा, इस किस्म की मतलब कि जो इस तरह से आदमी सोचते हैं वो भी एक किस्म होती है। जी जी, और वो अच्छी किस्म नहीं होती? नहीं, अच्छी किस्म अच्छी किस्म नहीं होती। जी, जी। आप क्या करें अगर आपको पता चले कि इनका अफेयर चल रहा है? मैं क्या करूँगी, मैं तो सबसे पहले इनसे पूछूंगी कि ऐसे मुझ में ऐसी क्या कमी है, या मैं ऐसा वो सब कुछ नहीं है जो पहले था शादी से पहले, जो शादी के बाद नहीं है, तो ये बाहर क्यों इस तरह से जाके करते हैं? और दूसरा, पहले मैं उस लड़की से जाके पूछूंगी कि एक शादीशुदा मर्द से वो क्यों अफेयर चलाती हैं। बिल्कुल, ठीक है, गुड पॉइंट। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मर्द की गलती होती है, इसमें औरत की भी गलती होती है। जब आप किसी एक लड़की से, इसको पता है कि ये शादीशुदा है, तो वो फिर क्यों, वो किसी और का घर क्यों बर्बाद करती हैं? आपको कैश ये श्योरिटी होती है कि वो आपसे, उनको डाइवोर्स देके आपसे शादी कर लेंगे, तो आप एक दूसरी औरत का घर खराब कर रही हैं ना, आपको खुद सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहती सिर्फ मर्द ही खराब हैं, औरत और मर्द दोनों इक्वल हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट फेयर कि आप ये कह रहे हैं कि घर में लड़ाई झगड़ा है तो आप बाहर जाके मारें, और लेकिन औरत क्या करे? आप मुझे बताएं कि आप इनके ऊपर शक करती हैं, आपने इनसे पूछा, इन्होंने क्या आपको जवाब दिया? मैं इनसे पूछती, मैं किसी वैसे ही शक नहीं करती, ठीक है, मैं इनकी वाइफ हूँ, ठीक है, इनके हर चीज़ कपड़े वपड़े धोना और सारा जो होता है एक काम वो मैं ही करती हूँ, इनकी पॉकेट्स में से कभी ना कोई ऐसी चीज़ निकल आती है। लिपस्टिक ऐसी चीज़ें भी नहीं है, कहीं और निकल जा रही है कि शायद ये खुद ही इस्तेमाल करती है। नहीं, लाइक देखें, अब मूवी की टिकट्स होती हैं और शॉपिंग की लिस्ट कभी इनके पास आती है, तो वो चीज़ें मेरे पास नहीं आती, वो चीज़ें कहाँ जाती हैं, ठीक है, और कभी ये लेट नाइट आते हैं, फिर बोल देंगे मैं अपने फलाने दोस्त के यहाँ गया था, उनके साथ था, तो लेकिन मैं भी दूसरे दिन उनसे फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि ये आपके साथ थे या नहीं थे, तो इस वजह से मुझे कन्फर्म हो जाता है कि इन्होंने झूठ बोला है।
तो आप क्या करेंगे? ठीक है, सपोज अभी तो आपका शक है ना, अगर वाकई ये कर रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, मुझे बताएं, क्या आप रहेंगी कि आप चली जाएंगी? वो तो देखें इन पे डिपेंड करता है, सही है कि मैं इन पे इसलिए डिपेंड करता है कि अगर इनको मेरे साथ नहीं रहना तो आप सीधा सा बोल दो कि आप में ये है, मैं आपके साथ नहीं रह सकता, आपकी ये गलती है, आपको बताना चाहिए। अगर ये अफेयर चला रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो कुछ है ना, कुछ कमी है या इनमें है या आप में है, लेकिन तो वो कमी मुझे बताएं भी तो। ये देखिए मैं आपको बताएं भी तो, अभी इन्होंने इतनी बातें की कि मैं इनसे पूछूंगी उनसे पूछूंगी, अगर मैं कोई इस तरह की चीज़ करता हूं तो इससे पहले अपने आप से क्यों नहीं पूछती कि आखिर मेरे अंदर क्या कमी है कि जो मेरा शौहर दूसरी जगह जा रहा है? लेकिन कोई कमी तो इनके अंदर भी होगी ना। और दूसरी चीज़, अभी इन्होंने कहा कि मेरी पॉकेट से मतलब मूवीज़ की शॉपिंग की, शॉपिंग की जो लिस्ट होती है वो इन्हीं की रखी हुई होती है, और ये कितनी शॉपिंग की लिस्ट रख के भूल जाती है, तो वो चीज़ें कहाँ जाती हैं, मेरे पास तो नहीं आती। और दूसरा ये मूवी खाली मतलब ऐसा नहीं कि मैं किसी फीमेल के साथ ही देखूं, किसी मेल के साथ अपने दोस्त के साथ। अच्छा चलिए, आप क्यों नहीं जाकर आप मूवी देखते? क्योंकि आप बेबी हो ना। मेरा ख्याल है कि आप फिर ऑडियंस जो है, मतलब कि हम जनरल बात कर रहे हैं, कोई सवाल पूछना चाहेंगे? हाँ, अभी तो हम जनरली बात कर रहे हैं, मतलब कि अभी तक कुछ इस्टेब्लिश नहीं हुआ कि कुछ पक्का नहीं है कि इंशाल्लाह यही होगा कि नहीं है। बिल्कुल कॉलीग कुछ मुझे नहीं लग रहा कि वो खुश हैं कुछ मिस्टर फरहान से। किसके लिए सवाल? कॉलीग के लिए सवाल है जी। कुछ देर पहले बता रही थी कि ऑफिस में कुछ इनके और दूसरे ऑफिस मेट्स हैं जिनके बारे में आप बता रही थी और बताना नहीं चाहती, उनके बारे में पूछूंगा कि वो कौन सी लेडीज हैं जिनसे इनके रिलेशनशिप है और जिसकी वजह से इनकी वाइफ जो है नाखुश है इनके हस्बैंड से। तो हिंट किया था, आपने पूरी कहानी भी बना दी है कि अच्छा कौन है और क्या, और आप तब से उनको बड़ी वो डरावने तरीके से देख रही हैं। मेरे ख्याल में आप बता दें, या तो वो ब्लैकमेल स्टॉकर नहीं होती साइको फिल्म्स में, तो बता दें मतलब कि क्या कौन है। कुछ मामला ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम ना कहें तो बेहतर होता है। नहीं मतलब फिर आप ये कहकर, हम ये कहकर तो फिर पता नहीं हमारी इमेजिनेशन इतनी है, हम पता नहीं क्या क्या सोच सकते हैं कि बॉस शायद फीमेल है, पता नहीं वो बॉस के साथ कोई चक्कर चल रहा है, किसके साथ है, कौन है ये? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ऐसी नहीं, आपसे नहीं, इनसे। मेरा ख्याल है कि जब तक हम इनको 5 मिनट देते हैं कि ये सोचें कि क्या जो भी इन्होंने बताना है क्या ये एक तो सच है, दूसरी बात कि क्या इनकी रिलेशनशिप और इनकी मैरिज को सेव या जो भी है, मतलब कि काफ़ी ये मतलब कि आप अगर कोई तोहमत लगाएंगे जो भी करेंगे मुझे अभी पता भी नहीं कि क्या है, ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक के बाद आकर सब कुछ हम फिर राज फाश करते हैं, ठीक है? वेलकम बैक टू द ब्रेक। एक बात जो उन्होंने ब्रेक से पहले कही थी कि कुछ बातें होती हैं जो ना ही कही जाएं तो बेहतर है, मगर मेरा ख्याल है कि माचिस कभी कभार फ़ायदेमंद होती है और इसको फ़ायदेमंद ही होना चाहिए, ऐवे मतलब कि बिल्कुल फजूल में हमें आग लगाने का कोई शौक नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो इस सारी जो कश्मकश है, जो एक ऐसी हमारे पास स्पेशल गेस्ट है जो इस सारे हल इस मसले का हल कर सकती हैं, मेरा ख्याल है अब हमें उनको बुलाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्यों मुस्कुरा रही हैं? नहीं आपने कहा ना कि वो गेस्ट सब कुछ मसले हल करेंगी और करेंगी, आपका ख्याल है? करेंगी, आप बुलाइए प्लीज़, ज़रा आ जाइए। जी तो आप मुझे बताइए कि आप फरहान, आप भी यहाँ हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं था। आप फरहान साहब की प्राइवेट सेक्रेटरी हैं? नहीं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। मैं इनको बता चुका हूँ, आप मेरे बॉस की सेक्रेटरी हैं। अच्छा, बॉस की सेक्रेटरी हैं। खबरदार करने वाली कोई बात नहीं है फरहान, ऐसा ही है। ऐसा ही है तो ये आपको क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं ना कि आपके और इनके बयान डिफरेंट ना हो। देखिए मिसेस फरहान, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों बस एक दोस्त हैं। अगर ऐसा नहीं है, अच्छा ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप दोनों सिर्फ जस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है? या आप अगर उनकी अच्छी फ्रेंड है तो आपको मेरी भी फ्रेंड होना चाहिए था फिर। व्हाई इज इट नेसेसरी कि अगर मैं उनकी दोस्त हूँ और उनकी ऑफिस में काम करती हूँ तो आई शुड बी योर फ्रेंड? आई डोंट नो यू। एक्सक्यूज मी, तो इसका मतलब ये कि सिर्फ आप अपने उन्हीं फरहान से रिलेशन रखेंगे, ठीक है? आपको बताना चाहिए, आपके आगे दिल में चोर नहीं है तो आपको मुझे बताना चाहिए। व्हाई आपको उनकी बीवी से भी उसी तरह के रिलेशन रखनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, इसलिए रीजन ये होना चाहिए कि देखिए कि ये शादीशुदा आदमी है, ठीक है? हमारा ये जो समाज है, सोसाइटी है, वो वैसे भी बहुत शकी नज़र से लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं कि नहीं, ठीक है? ऊपर से ये शादीशुदा है, तो आपका ख्याल है कि अगर आपकी नीयत बिल्कुल साफ है और आपने जैसे कहा कि वे जस्ट फ्रेंड्स, तो फिर
फिर क्या बुरा मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि मैं जाऊं उनके घर या किसी ऐसे प्रोग्राम में जाऊं जाके कहूं हेलो मिसेस फरहान हाउ आर यू, मैं इनकी फ्रेंड हूं, मैं इनकी कुली हूं। ऑब्वियसली देयर शुड बी सम रीजन, कोई सिचुएशन होगी तो मैं जाके मिलूं, कोई बात हो। एक्सक्यूज मी, रिजवाना भी इनकी कलीग है, ठीक है? मैं रिजवाना को भी जानती हूँ, रिजवाना इनकी कलीग है, हमारे फैमिली फंक्शंस होते हैं उसमें वो आती हैं, ठीक है? ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसने आपको नहीं बुलाया फरहान ने तो कुछ तो ऐसा है ना जो छुपा रहे हैं। आप पूछ सकती हैं, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आप प्लीज चुप करें ना, मैं उनसे बात कर रही हूँ। मेरे 10 लोग और भी जानने वाले हैं, तो मैंने इनको उनका बताया है क्या? अगर ये एक लड़की है तो मैं इनका जरूर बताऊँ। तो फिर आप उनको छुपा क्यों रहे इतना? मैंने कब छुपाया? वो आ गई सामने बैठी। ये सेक्रेटरी नहीं है बॉस की, ठीक है? ये तो इनकी अपनी मिसेस के लिए इन्होंने कह दिया कि ये बॉस की सेक्रेटरी है। कहाँ ये, क्या ऑफिस में काम करती है? ऑफिस में काम करना या ना करना, लेकिन इनके रिलेशनशिप इनके बिल्कुल ऐसे नहीं है जैसे मेरे साथ है। मैं भी इनकी क्लीग। आपने ऐसे क्या देख लिया मेरे और इनके दरमियान? बहुत कुछ देखा है। अब मैं इनसे कहूंगी कि अब ये क्या कहती हैं। अगर वो कह रही है ना कि वो एक ऑफिस में काम करते हैं आप तीनों, ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ देखा, ऐसा क्या देखा है जो वो बोल रही हैं यहाँ पे? और वो खुले आम बोल रही हैं, कोई तो बात है ना? देखिए मैं बताता हूँ, इनको मैं लिफ्ट नहीं कराता, इनको मैं लिफ्ट करवाता हूँ। गलती आपकी भी है। ये मुझसे जूनियर है बहुत। और वो इतनी जूनियर नहीं है, वो मेरे डेजिग्नेशन में जूनियर है। वो डेजिग्नेशन में जूनियर नहीं है। कह सकते हैं कि मैं आपसे जूनियर हूं तो मैं ऐसी कोई बात नहीं कर सकती? वो भी तो मेरे साथ ही है ना। मेरा माइंड उनसे ज्यादा मिलता है। आपको कोलीग एक बराबर रखने चाहिए, लेकिन जबकि आप जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी से समथिंग। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अगर कुलीग हैं और एक ही लेवल के हैं और एक ही सीनियर पोजीशंस पे काम करते हैं तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग एक ही जैसी होनी चाहिए। ये कौन सी दुनिया में लिखा हुआ है, कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि अगर मैं और ये साथ में सब बैठे तो हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी? तभी तो इतना इनके भी दिल में उसके दिल भी है। और क्या बात हो सकती है? हम लोग इससे पहले मतलब कि ऑडियंस अग्री करती कि नहीं, हम कितने मजे से आराम से बात कर रहे थे, डिस्कशन हो रही थी, आप आई और आप बस मतलब कि हर जगह पे आग लगा देनी अंधाधुंध। यानी गलत है बात, जब गलत होगी तो बात यही होनी है ना। जब बात गलत हो रही मैं आके बैठी और उन्होंने फौरन शुरू कर दिया, मतलब क्या है? आपने कुछ पूछा मुझसे, हाय हेलो की, कुछ भी नहीं किया। यू स्टार्टेड आपने हाय हेलो की, आपने मुझसे सिमिलरली तो यू मस्ट हैव सम एविडेंस। आपने मुझसे हाय हेलो की, कोई तो सबूत होना चाहिए, कोई तो बात होनी चाहिए, मेरा नाम कहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। फाइन फाइन, आपको इनको किसने बताया था? इनको इनका नंबर किसने दिया था आपको? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। देखिए ये जैसे मैं आई थी इस ऑफिस में, ठीक है, मेरा रबता भी बहुत से रहा, ये मैं इनकी कुलीग हूँ, ये भी इनकी कुलीग रही, अब बनकर आई, ठीक है, रबता इनका एक जैसा रहा है, लेकिन इनके तो आप क्या चाहती हैं? मैं आपसे भी ऐसी रिलेशन रखूं जैसे उनके साथ है? कैसी है? यही तो आप अपना नाम बताएंगी मुझे? क्या बताऊँ आपका नाम? आपको मेरा नाम तक नहीं पता? मुझे इन्होंने बताया नहीं, आपने इनका नाम नहीं लिया, आपने कहा बस एक गेस्ट आ रही है, ठीक है, राइट? आप अपने हस्बैंड से पूछ ले मेरा नाम, आप बता देना, आपको प्रॉब्लम है, यू हैव द राइट्स, आप बता दे। मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी, मैं इन्हीं से बात कर रही हूँ। किसका नाम है, क्या नाम है, बताइए जरा, कि खामन बताएं कि ये खुद बताएं जो आई है और लड़ती भी आई है। ऑडियंस से कह दे कि आप खुद बताएं प्लीज। रबाब, रबाब ना लगाएं। रबाब इन्हीं का नाम है, ठीक है, और फरहान की जेब से इस्लामाबाद के दो टिकट्स निकले थे जिसमें लड़की का नाम रबाब था। तो हम ऑफिस के काम से इस्लामाबाद गए थे? ऑफिस के काम के लिए के मुझे साथ क्यों नहीं लेके गए? ये आप आंसर मैं भी वही हूँ, लेकिन ये हर चीज के लिए इन्हें क्यों साथ रखते हैं? और फिर ये बोल रहे हैं कि इनका रिलेशनशिप मेरे साथ ऐसा नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है? देखिए ये मेरे मेयर में पूरी नहीं उतरती, जो वो काम क्या मतलब है आपका? तो मैं भी पूरी नहीं उतरती होगी आपके मेयर पे। मतलब कैसा मेयर चाहिए?
मेरी बात कंप्लीट होने से पहले यहाँ शोर हो जाता है। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात कंप्लीट होने से पहले यहाँ शोर हो जाता है। जो काम था आपकी, वो एक कोई अलग सी मुस्कुराहट। देखिए, पहली बात तो आपने बगैर इन्फॉर्म किए मुझे इनको यहाँ बुलाया। अभी इस बात से आप बात नोट कीजिए, प्रोग्राम को आप मेरा जाती प्रोग्राम बना रही हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल जाती प्रोग्राम नहीं बना रही, हम मसलों का हल करना चाहते हैं। आपने यहाँ मुझे जर्नल डिस्कस के लिए बुलाया था और अब आप इसको मेरा जाती प्रोग्राम बना लिया। आपने इनको भी बगैर इन्फॉर्म किए बुला लिया, मेरी वाइफ को, मेरी क्लीग को। नहीं, आपका ख्याल ही कि ये आप सब कुछ हल हो जाना चाहिए। कैसे हल होगा, ये तो बढ़ता नहीं जा रहा, आप खुद देख रही हैं। तो आप क्लियर कर दें। अगर आपको उनको बुलाना था, आप मुझे पहले बता दी, मैं उनको खुद इनवाइट कर लेता। ताकि वो तैयार होकर आते, ऐसी कोई जो इन दरमियान हो रहा है, तैयार होने वाली कोई बात नहीं है। ये क्यों इतना जेलिस हो रही हैं? नहीं है। अच्छा, आप सही हैं क्योंकि आप छुपा रहे हैं। आपकी शादी हुई भी है? नहीं। मंगनी हुई भी है? नहीं। इनके साथ आपके, मैं तो बिल्कुल बुखला गई हूँ भाई, मतलब कि मुझे समझ नहीं आ रही। सकती ऑडियंस से कुछ सवाल करने, प्लीज हेल्प मी आउट। मैं आपसे ये मालूम करना चाह रही हूँ कि आप शादी क्यों नहीं कर लेती हैं? आप दूसरे का हंसता बसता घर जो है क्यों खराब कर रही हैं? उनका बच्चा भी है क्या? आपको एक मैरिड आदमी मिला था जिसे आपने फ्रेंडशिप करनी है? मुझे ये बताइए कि क्या एक ऑफिस में एक मर्द और एक औरत अगर काम कर रहे हैं तो क्या वो दोस्त नहीं बन सकते? वो अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, दोनों का काम अच्छा है, तो क्या वो दोनों साथ में किसी ट्रिप पे नहीं जा सकते किसी ऑफिस के काम से? क्यों नहीं? अगर एक मर्द एक औरत से बात कर रहा है और अलग से बैठ के साथ खाना खा रहा है, तो क्यों आप लोग उसको अलग लेते हैं? आपके पास क्या सबूत है कि हमारा रिलेशन है कोई? हम दोनों फ्रेंड्स क्यों नहीं समझ रहे आप? देखिए, अपनी विजन को क्लियर करें ना। अगर आप लोगों के विजन पे अगर ये सब कुछ है, भैया मैंने तो यही सुना है कि जिसकी आंखों में पीला होता है ना, उसको सब पीला नजर आता है। दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग एट। मुझे क्या नजर आ रहा है? देखिए, मैं कुछ भी नहीं कह रही। मुझे लग रहा है कि आपकी आंखों में पीला है, तभी आपके यहाँ सब कुछ पीला पीला नजर आ रहा है। सही है, वो आपके ऑफिस क्लीग है, मैं तो घर पे रहती हूँ। मैं घर पे रहती हूँ, लेकिन वो आपके ऑफिस क्लीग है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आप मैरिड होती हैं और आपके हस्बैंड इस तरह किसी के साथ ट्रिप लगा रहे होते, तो क्या आपको कोई एतराज नहीं होता? जवाब है, सवाल करना आसान है, यहाँ बैठ के जवाब देना मुश्किल है। जवाब मैं इस बात का भी दे सकती हूँ, ठीक है? सुनिए, मुझे ये बताइए, आप शादीशुदा हैं, लेट सपोज अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी वाइफ हर वक्त आपके साथ चिपकी रहती है, ये कहती है क्या हो रहा है, खाना इस टाइम पे खाओ, ये कपड़े पहनो, ये टाई पहनो, ये करो वो करो, कितना बर्दाश्त करेंगे? आजकल के तो छोटे छोटे बच्चे भी बर्दाश्त नहीं करते, तो आप क्या बर्दाश्त करेंगे? सवाल है, क्या ये आपको इन्होंने कहा है कि मेरी बीवी ऐसी है? ऑब्वियसली आपने ये कहा है। मतलब कि आप इनसे अपनी शादी की और जो 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 भी हो रहा है वो आप उनसे बताते हैं? थोड़ी बहुत मैंने इनसे डिस्कशन जरूर की है, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं। किस तरह से कॉन्फिडेंस से बोल रही है कि भाई ये करती है, ओवर पोजेसिव है, ये करो वो करो, खाना खाओ? मैं नहीं पूछूंगी तो फिर इन्हीं को मुझसे शिकायत होगी कि मेरी बीवी मुझे टाइम नहीं देती जी। आपको क्या जरूरत है इनके पर्सनल मैटर्स में पढ़ने की कि उनकी बीवी उनसे हर वक्त चिपक रही है और उनको बोल रही है ये खाओ, ये पहनो, ये पहनो? आप तो ऑफिस में काम करती हैं, आपको ऑफिस के मैटर से रिलेटेड उनसे डिस्कशन रखना चाहिए। जवाब बहुत सिंपल है, मैं आई हूँ, मेरा पहला जवाब ही यही था कि वी आर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का मतलब है दे बोथ शेयर यू नो थिंग्स, बातें आप फ्रेंड्स शेयर करते हैं। सिंपल आंसर। आई मीन, अगर अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि वी आर फ्रेंड्स। और ऑब्वियसली वो मेरे दोस्त ने मुझे बताया, तो ठीक है फाइन। आपको ये कहते हैं मैं अपनी बीवी को छोड़ रहा हूँ, कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आपका क्या जवाब होगा? ये डिसीजन तो मेरा है। Why do I answer? मतलब इस स्टेज पे मुझे नहीं लगता, तो मतलब आप देना चाहिए ना, यानी आपका तो ये है कि ठीक है आप कर देंगे, उसके लिए रिलेशन कुछ और होना चाहिए। मिसेस फरहान, उसके लिए रिलेशन कुछ और होना चाहिए। अगर आप दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो आप लोग इतना छुपाते क्यों हैं? क्या छुपाया क्यों आपने? कोई बात नहीं छुपाई, आपने इनको बुलाया यहाँ पर। एक सवाल है, मेरा ये सवाल है कि ठीक है कि अच्छा ठीक है, वो वक्त पे खाना खाना और ये वो इस तरह से तंग करती है, मगर इस तरह की बातें जिन्होंने अभी कही है कि जी मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ अपनी बीवी से, वो मुझे प्यार नहीं देती, ये किस तरह की नीच बातें हैं जो आप किसी फ्रेंड से कर रहे हैं? मैंने इनको इस उसमें नहीं कही थी ये बातें, फ्रस्ट्रेटेड हूँ मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, मैंने ये जरूर कहा फरहान, मैंने ये मैंने आपसे ये नहीं कहा फरहान, यू सेड दिस, मैंने आपसे ये नहीं कहा, मैंने आपसे ये कहा था कि मेरी बीवी मुझसे चिपकी रहती है, मुझे क्या जरूरत है कि मैं इधर जाऊं मैं उधर जाऊं मैं उसके साथ जाऊं? नहीं तो ये फरहान, मुझे आपने बताया मेरी, मुझे कैसे पता चला, एक मिनट, मुझे कैसे पता चला कि उनके पॉकेट से ये निकला और मेरी वाइफ ने ये पकड़ लिया, तुम्हारे शॉपिंग की ये चीजें निकली मेरी वाइफ ने पकड़ी, ये सारी बात बता रहा है? शॉपिंग की थी उन्होंने, मुझे दिलवाया था सामान, तो आपने ले लिया जब गिफ्ट आ रहा है, ले लिया उनके पास,
इनके पास एटीएम कार्ड था, इन्होंने पैसे निकलवाए, पैसे नहीं निकले, इनको शॉपिंग करनी थी, मैंने कहा चलो मैं करवा देता हूँ। मेरा एटीएम कार्ड खत्म हो तो मैं चली जाऊँ, जब तक भरता नहीं और उसके बात करूँ मैं किसी अपने सिर्फ दोस्त से, मैं नहीं कभी भी ना लूँ इस तरह से, तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो गलत बात। इन्होंने लिया, इनकी गलती है ना, लेकिन मेरा मेरी गलती किस बात की? एटीएम कार्ड का बहाना आप बनाए, सब कुछ आप बनाए, गिफ्ट मुझे दें और गलती मेरी, ये बहाना है और क्या? आपका एटीएम कार्ड खत्म हुआ था, मेरा नहीं। क्या बहाना, आप क्या कहना चाह रही हैं? अब मैं कुछ भी नहीं कहना चाह रही फरहान, मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में, मुझे बताइए आप। देखो बात को घुमाओ नहीं, आप पलट गए, बात को घुमाओ नहीं, यहाँ पे बहुत मैं नहीं घुमा रही। देखो वैसे ही मेरी बीवी मुझ पे शक करती है, अब आप और उसको शक दिलवा रही हो ये बातें कर करके। मैं क्या करूँ, गलती आपकी है ना। अगर मैंने आपको शॉपिंग करा दी तो यहाँ जरूरत क्या थी बोलने की? What do I do? क्या जरूरत थी बोलने की? आपने कभी मुझसे तो नहीं कहा फरहान कि चलो मैं फौजिया तुम्हें शॉपिंग करा दूं, मैं ही बोलूं तो बोलूं, वरना फरहान ने मुझसे कभी नहीं कहा तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। खास तौर पर इनको शॉपिंग कराने नहीं लेके गया था, शुरू किया था तो आपने कहा था नहीं शॉपिंग तो वही जो मुझे देती है लिस्ट वो होती है, अब क्यों आप सच्चाई बोल रहे हैं? एक दफा की बात है, ये एक दफा की कहा क्यों नहीं आपने, क्यों नहीं कहा कि हाँ वो एक मेरी कॉलीग थी, मेरी दोस्त है और उसका एटीएम कार्ड नहीं था, ये बिल्कुल इतनी ऑनेस्ट थी। मेरे तो जहन में भी नहीं था कि आप इनको बुलाएंगी, अगर आप मुझे पता होता तो मैं पहले ये बात बता देता। इनके बुलाने से इस चीज का क्या रिलेशनशिप है? आप क्यों इसमें बोल रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा आपने इनको क्यों बुलाया। कॉलीग में मैं भी शामिल हूँ, मुझे भी बुलाया गया है, लेकिन मेरे आने से ज्यादा आपको इनके आने की फिक्र है। इन दोनों की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि गोल्ड की शॉपिंग हो रही है, गोल्ड का सेट उनको दिलाया जा रहा है और वो ले लेती हैं। क्यों भाई? प्लीज अब वो गोल्ड का सेट कहाँ गया? मुझे मेरे जोर ने बताया कि मेरे हस्बैंड ने गोल्ड का सेट लिया है और मैं आज तक इंतजार करती रही कि वो गोल्ड का सेट आ रहा है मेरे लिए, कहाँ गया वो? भी तो इन्हीं के पास गया ना। इनसे पूछिए। नहीं नहीं नहीं, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ और ऑडियंस सब लोग आपसे पूछ रहे हैं। फरहान की और गर्लफ्रेंड्स नहीं हो सकती है? व्हाट मतलब गर्ल तो आई एम अ गर्लफ्रेंड, सिंपल, और क्या मतलब है मेरा? वही बात हो गई कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया। मेरी और इनकी कोलीग से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, इनकी गर्लफ्रेंड हूं मैं, इनके फ्रेंड हूं। ओके फाइन, मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूं। मैंने इनके सेल पे फोन आता है, ठीक है, और ये उठ के चले जाते हैं। आपको मिस कॉल क्यों देती है रात को? इज इट नेसेसरी क्यों मैंने कॉल दी है? आपका ही नंबर है, उस वो नंबर मैंने आपको दिया, उसी नंबर से आपने इनको बुलवाया। अभी तो आपको नाम भी नहीं पता था। अभी तो आप कुछ और कह रही थी, अभी तो मुझे नाम नहीं पता, ठीक है। इन्होंने अपने सेल पे नाम नहीं फीड किया हुआ था, सेल पे इन्होंने नाम फीड नहीं किया हुआ था। कैसे पता आपको इनका? क्यों उस नंबर से? जब रोज बेले आएंगी तो मैं देखूंगी नहीं क्या? तो नहीं वो इनका ही नंबर हो। और मैंने जब उस नंबर पे कॉल पे किया, ठीक है, ख्याल है कि हमें ये नंबर जरा करें, आपका मोबाइल है आपके पास, हम जरा अभी देख लेते हैं, क्या ख्याल है? नहीं मैं मिलाती हूँ, ठीक है, ठीक कह रही है वो। और जो भी है उस नंबर पे आप उनसे बात करें, शायद कोई आदमी हो, बड़ी बज होगी वैसे आप। चलो एटलीस्ट आपका शक तो दूर होगा, अभी पता चल जाएगा ना। अब आप क्या कहेंगी मिस शहबाब, अब आप क्या कहेंगी? मतलब कि आपको कुछ डर नहीं है? मतलब कि आप सोचें कि अभी तो क्या, मतलब कि आप जब जी पर नहीं फरहान से क्यों, इनसे भी, ये सिंगल है, इन्होंने नहीं सोचा कि अगर कोई बंदा, अगर शादीशुदा बंदा, चाहे कितनी हजार मसले होते हैं रिलेशनशिप के अंदर, तो क्या इस तरह से हर जो सिंगल लड़की कहे कि ठीक है मैं बनती हूँ आपकी दोस्त, क्या आपका ख्याल है कि ये बिल्कुल सही है? गलत बात है भाई, मतलब क्या मोबाइल पर कॉल आ जाने से कोई ये तो नहीं होता कि कोई गलत रिलेशन है? इतने झूठ, लेकिन उसी नंबर पे क्यों? जिस नंबर से आए वो पहले आ गए हैं। मान नाउ इट्स नॉट वर्थ इट, ठीक है? यस आई हैड दिस, आई हैड एन अफेयर, मेरा रिलेशन था, ही इज माय फ्रेंड एंड नाउ ही इज नथिंग मोर, फरहान इट्स नॉट वर्थ इट। लेकिन आपने क्यों रखा? आपके पास जब सबूत नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं है बोलने को, जो कुछ भी आपने मुझसे कहा वो कुछ भी नहीं है आपके पास, तो मैं आपकी किस बात की फेवर करूं, क्या बोलूं मैं आपकी बात को? लेकिन आप मुझे ये बताइए, आपने एक शादीशुदा मर्द से रिलेशन रखा क्यों? कहिए ना कि आपने मुझे इस बात का जवाब चाहिए, आप इनसे पूछिए ये बात। ठीक है प्लीज प्रोग्राम को बंद करें। देखिए फरहान, आप दोनों तो जो है ना प्रोग्राम खत्म करके चले जाने वाले यहाँ से। अब यू आर जस्ट, लेकिन इस रिलेशनशिप में सिर्फ फरहान का ताल्लुक नहीं है, आपको उस वक्त सोचना चाहिए था।
चाहिए था एक शादीशुदा मर्द से बात करने से पहले, आपको सोचना चाहिए था आपकी जिंदगी का क्या बनेगा। उस वक्त आपको सब कुछ अच्छा अच्छा नजर आ रहा था, आपने पहले नहीं सोचा था। मतलब कि आपने आखिरत में आपने क्या मुंह दिखाना है? क्या करूं मैं अब इस बात पे? ये मर्द इनसे पूछे ना, इन्होंने मुझसे क्या बातें करी थी? ये अकेले मेरे का कसूर है? अच्छा मतलब आप मान नहीं क्या? जब आप साबित ये करना चाह रही हैं तो मैं मान लेता हूँ। मैं साबित कर रही हूँ, मतलब कि साबित करा चुका करा। आप एक नॉट बोल रहे हैं कि हुआ है, खत्म कर दीजिए इस बात को, बता दीजिए अपनी वाइफ को। एक मिनट बता क्या दीजिए? पता चल गया मुझे, जो पता चलना था वो पता चल गया। इन्होंने कहा कि इनकी जिंदगी सवालिया निशान बनी है। अगर इस मामले में ये दिलचस्पी नहीं लेती तो इसका कोई रिलेशनशिप ही पैदा नहीं होता, तो ये सवाल वैसा भरोगे। आपने आगे से अपना रिस्पांस दिया तो इतने बड़े ना आगे। प्लीज फौजिया बस चुप हो जाओ। अच्छा मुझे आप मुझे क्यों चुप करवा रहे हैं? गलत आप हैं। क्यों? प्लीज क्वाइट। क्यों? क्यों बताएं हम सबको यही है कि क्यों? इतनी खूबसूरत अच्छी आपकी बीवी है, आपको ट्रस्ट करती है कि वो। अब मैं आपको सच बताती हूँ, कॉलीग और बीवी दोनों ने कहा था कि ठीक है हमें ये शक है, वो चुप करके उन्होंने बर्दाश्त किया कि ठीक है आज आमना सामना हो जाए। पहले आप ये मुझे बताइए, ये प्रोग्राम मेरे ऊपर कर रही हैं? ये आपका मसला है। आपने मुझे जर्नल डिस्कस पे बुलाया था, अब आप मुझे क्यों उधेड़ रही हैं? इसलिए कि आपके सामने ये हल हो गया कि मसला। आपने मुझे बगैर इन्फॉर्म किए इनको बुलाया, एंड में निशाना कौन बन रहा है? मैं मेरे ऊपर भी आप कसूर ना करें। अगर आ गए हैं आप लोग तो फिर मतलब कि आप ठीक है ना, आपने अगर गलती की तो मानते क्यों नहीं उसको? वो आपको कह रही है, आप तो मान ही नहीं। ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं की मैंने, मतलब ये बड़ी गलती नहीं है कि आप दो औरतों की जिंदगी से खेल रहे हैं। ये कोई बड़ी गलती नहीं है भाई, इनके नजर में कोई बड़ी गलती। कोई वादे तो नहीं किए मैंने, इनसे कोई वादे नहीं किए। लेकिन वो तो कुछ समझी होगी ना, आपने अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा, मेरे बारे में नहीं सोचा। कही थी आप अपनी वाइफ के साथ बैठ के, वो बातें मत छुपाइए जो आपने मुझसे कही थी, वो बातें भी सामने लाइए ना। वो बातें जब सामने आएंगी तो आपकी वाइफ को पता चलेगा कि आपके ऊपर कितना ट्रस्ट करना चाहिए और कितना नहीं। लेकिन कि बीवी और बच्चा है, मैं क्यों सोचूं? वो भी तो सोचे ना, बच्चा उनका है ना। मगर आपकी भी कोई जमीर कुछ चीज और जरूरी है ना, मुझे पहले से बताओ कि बीवी और बच्चा भी है। तकरीबन ये पूछे हैं अभी अभी आपने कहा कि बीवी बच्ची है, बच्चा है, हो सकता है बाद में बताओ। ये भी तो पूछे ना पहले सारे सवाल, सब बताया मैंने। अच्छा अब हमें एक सेकंड, अब सब कुछ निकल आया, आप सच बता दें कि हुआ क्या था। सच सच बता दें हुआ क्या था, मतलब कि जो मुझे तो लग रहा है कि अभी रिलेशनशिप एंड हो रहा है, क्योंकि ये अब गुस्सा। मेरी तरफ से तो ऐसी कोई बात नहीं, इनकी तरफ से हो तो मुझे पता। माशा क्या आप रिलेशनशिप कैरी करना चाहते हैं? आप अपनी बीवी को क्या? सॉरी फरहान, देखो मेरी तरफ से कोई इस तरह का कोई चीज नहीं है। मैंने बताया ना, अगर उनकी तरफ से तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक मिनट, यानी गलत सिर्फ वो है, आप नहीं है गलत। क्या कह रहे थे कि ये मैं जेलसी फील कर रही हूँ इनके किसी भी रिलेशनशिप से। अब ये इस चीज से इनकार करेंगे, इनका इनसे कोई रिलेशनशिप नहीं है। शॉपिंग हर चीज, व्हाई ये कह रही है आपसे फ्रेंडशिप है? रिलेशनशिप है, मेरा रिलेशनशिप है, इसी तरह ये करते हैं और बातों से भी मुखरते हैं। ये इस बात का आप कान रहे कि आपका रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप गलत नहीं होता, अच्छा भी होता है, अच्छे सेंस में होता है। लेकिन ये अच्छा नहीं है। अच्छा सेंस? लेकिन ये अच्छा नहीं है क्या कि आप गोल्ड के सेट दे रहे हैं? वो कह रही हैं आपने पता नहीं क्या-क्या वादा किया। अच्छा सेंस था तभी तो बीवी को नहीं बताया। गोल्ड का सेट नहीं था, तभी तो बीवी से छुपाया इन्होंने। पानी चढ़ा हुआ था। व्हाट? या फरहान यू हैव क्रॉस द लिमिट्स, नाउ यू हैव क्रॉस द लिमिट्स। ये क्या है? तो आपने क्रॉस नहीं की क्या लिमिट्स? आप यहां बैठ के क्या-क्या बातें कर रही हो? इतना झूठ, मतलब ठीक है आप अपनी वाइफ से झूठ बोले थे अब तक, मैं समझ रही थी कि शायद वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है आप अपने जो बातें करी हैं, लेकिन यहाँ भी जो अभी तक फ्री में सब रह क्यों हैं? आपने ये नहीं सोचा कि चार साल हो गए हैं, लव मैरिज है हमारी, ठीक है चार साल से वो मेरे साथ रह रहे हैं, इतना ही होता कब के छोड़ चुके होते हैं मुझे? आपके जहन में ये बात नहीं आई? ये पता होना चाहिए ना कि मैरिड है, ये भी तो बात पूछी है ना आपने? तो बोला था। मैंने कब बोला? आपने बोला था कि उन्होंने मुझे यही पहले कहा था कि मैरिड है। आपने बोला था पहले, आपके जहन में कुछ ना कुछ बात है जो ये ऑन एयर ये बातें करके अपनी राह हमवार कर रही है। नहीं ये बातें खुले और इनके लिए इजी हो जाए। जबकि सर आप खुद भी मानिए ना कि आप भी गलत हैं। मैं तो मान रही हूँ लड़का लड़की गलत है, तो लड़का भी गलत है। जब वो माने तो फिर हां आप भी बोले ना कि आप भी गलत हैं। ऑडियंस मेरा ख्याल है आप लोग बताइए कि इसका क्या हल है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही इस वक्त। माइक पकड़िए और प्लीज जरा बताइए कि क्या है। फरहान से पूछना चाहूंगी कि जो कुछ इन्होंने किया, अगर वो मिस फौजिया करती तो क्या ये उन्हें माफ कर सकते थे? मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा आखिर मैंने क्या किया है। अगर वो एक फरहान अभी भी आपने क्या किया? मी
मेरा सवाल आपसे है, पता चल गया है अभी भी मुकर है, आप अब क्या करेंगे? मैं कर भी क्या सकती हूँ, ठीक है, मुझे तो इनके साथ हर हाल में रहना है, क्योंकि मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचूंगी, मैं अपने बच्चे के बारे में भी सोच के चलूंगी आगे। अगर मैं इनसे डाइवोर्स ले भी लेती हूँ, ये मुझे डाइवोर्स दे भी देते हैं, ठीक है, तो ये भी अलग अपनी लाइफ बना लेंगे, मैं भी बना लूंगी, लेकिन जो हमारा बच्चा है उसका क्या होगा? फरहान, आपको ये सोचना चाहिए था, कम अज कम मेरे बारे में नहीं, आपको अपने बच्चे के बारे में तो सोचना चाहिए था ना। आपने क्या इसी तरह से जाना, ठीक है, आज ये चली गई, खत्म, इन्होंने तो ब्रेकअप कर लिया आपसे, आप तो कह रहे कि नहीं, आप क्या आप इनके फ्रेंड होंगे? अब सर नहीं ढूंढेंगे, नई की तलाश होगी अब। मगर ये हंसी की बात नहीं है, मैं आपसे कह रही ना, क्योंकि सर फरहान साहब का काम ही है कि एक गई तो दूसरी आई, ठीक है, अब ये जाएंगी तो किसी और की तलाश होगी। आपने इनको वार्न नहीं किया था कि ये होगा? बीबी आप जरा संभाल कर, आप देखिए ना, जब ये शुरू में आई थी ये तो खुद मानने को तैयार नहीं थी, अब तो सर भी मान नहीं रहे, सिरा सही दोनों तैयार ही नहीं है इस चीज को, अभी भी जस्ट फ्रेंडशिप। मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा मसला है कि हम इसको रोशनी में ले आए, आपको पता है कि क्या हुआ है, आप भी चाहे जो भी कहें, गोल्ड सेट जिसके ऊपर पानी था या जो भी था आपने दिया है, एटीएम कार्ड, जो भी जो आपने करना है वो आप दोनों के बीच में है, शादी हुई हुई है, बच्चा है, आप डिसाइड कीजिए। लेकिन मेरा सिर्फ ये है, एक मैसेज है सारे लोग जो देख रहे हैं, और अगर ऐसे मर्द देख रहे हैं जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, कि प्लीज़ खुदा के लिए अपनी मैरिजेस को के ऊपर ध्यान दें, क्यों आप इस तरह कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच, एंड दिस इज अ वेरी अपसेट ZQ साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगली दफा सेम टाइम सेम प्लेस ऑन माचिस।